जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 41-42-43 पर चर्चा करेंगे। तस्मात् तवम इंद्रियाणि येदो नियमा भार्त्सवा पापमानं परजयी हे यन्नेम ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों पर नियंत्रण करने की सलाह दे रहे हैं। हे अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो, फिर उस पाप पूर्ण इच्छा का नाश करो जो ज्ञान और विज्ञान का विनाश करने वाली। अर्थात इच्छाएं तब उत्पन्न होती हैं जब हमारी इंद्रियां भौतिक वस्तुओं की तरफ आकर्षित होती हैं। जब हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं, तभी हम अपनी इच्छाओं को नष्ट कर सकते हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है आत्म नियंत्रण और इच्छाओं पर विजय पाकर हम सच्चे ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियाणि प्राण अहोर इंद्रिय वय परम मन मन सस्तु परा बुधीर्यो बुधे पर तस्तु। इंद्रियों को विषय से श्रेष्ठ कहा गया है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, लेकिन जो बुद्धि से परे है वह है आत्मा। अर्थात इंद्रियां जैसे नाक कान हमारे भौतिक विषयों के अनुभव का माध्यम है, लेकिन इंद्रियों से भी ऊपर मन है जो हमारी इच्छाओं और भावनाओं से चलता है। मन से भी अधिक शक्तिशाली होती है जो सही गलत का निर्णय करती है, लेकिन इन सब से भी श्रेष्ठ है आत्मा जो बुद्धि को अब भी स्रोत है। आत्मा को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना ही वास्तविकता है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा समस्ता भयात मनम आत्मना जही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और अपनी आत्मा द्वारा अपने मन को स्थिर करो, उस काम रूपी शत्रु का नाश करो जो अत्यंत कठिन है। अर्थात इच्छाएं मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है और इन्हें जीतने के लिए आत्म ज्ञान की आवश्यकता है। इच्छाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि वे हमारी बुद्धि को भी भ्रमित कर देती हैं, जिससे व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 कर्म योग समाप्त होता है। आशा करते हैं इस अध्याय के हर श्लोक से आपको कुछ सीख मिली होगी, क्योंकि जब हम अर्जुन के स्थान पर अपने आप को रख कर सोचते हैं तो हमारी सभी समस्याएं, उनकी सारी समस्याएं हमें अपनी सी लगती हैं। तभी हमें भगवान श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चलना है और अपना जीवन यापन सुचारू रूप से करना है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।